तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना किस तरह से उन्होंने बताया कि जेल में कैसा वक्त गुजरा है, और कैंपेन को लेकर उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक के साथ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर एक्शन में है। हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता मतदाताओं का वोटर कार्ड चेक करती हुई नजर आई है। माधवी बुर्का हटाकर महिलाओं का वोटर कार्ड उन्होंने चेक किया है। मतदान केंद्रों पर माधवी लता की पैनी नजर है, हर एक गतिविधि पर वो खुद नजर रख रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी से माधवी लता का मुकाबला है, और ये तस्वीरें आप देखिए, वोटर आईडी कार्ड चेक करती हुई नजर आई हैं माधवी लता। कोई फर्जी वोट ना डाले इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान भी बहुत एक्टिव रही हैं माधवी लता, और आज क्योंकि मतदान का दिन है, सुबह सुबह पहले वोट कास्ट करने के लिए पहुंची, और उसके बाद सबसे उन्होंने वोट डालने की अपील की है। मुस्लिम महिलाओं पर बहुत ज्यादा उन्हें भरोसा है, क्योंकि उनके लिए कई मुद्दों को लेकर वो लड़ती रही हैं। समाज सेवी भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, और एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर उन्हें असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ देखा जा रहा है। आज किस तरह से वो एक्टिव हैं, बुरकानशी महिलाओं से वो कैसे बातचीत करती हुई दिख रही हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड को वेरीफाई करती हुई दिख रही हैं, कहीं गलती से भी कोई फर्जी वोट ना पड़े इस बात का ख्याल रखा जा रहा है, और हर एक गतिविधि पर उनकी नज़र है, क्योंकि माधवी लता आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर। हालांकि ये काफ़ी टफ होगा उनके लिए। असदुद्दीन ओवैसी के परिवार का ये गढ़ तेलंगाना का ये हैदराबाद कहा जाता है, जहाँ पर बीजेपी की उम्मीदवार है माधवी लता। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ संकेत देती हैं। माधवी लता किस तरह से जो बुर्का पहनकर यहाँ महिलाएं आई हैं, उनका बुर्का हटाकर चेहरा देखती हुई और वोटर आईडी कार्ड भी चेक करती हुई नजर आई हैं। उनका नाम पूछकर वेरिफिकेशन भी उन्होंने किया है। एक तरफ प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर मुस्तैद है, लेकिन माधवी लता खुद भी नजर रखे हुए हैं। जरा सी भी वो लापरवाही नहीं चाहती हैं, क्योंकि वो इस बात पर यकीन कर रही हैं कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ से उन्हें उखाड़ फेंकेंगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो यहां से कमल खिलाएंगी। तो मतदाताओं पर पैनी नजर है इस वक्त बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की, और बुर्का हटाकर वो महिलाओं से किस तरह से बातचीत करती हुई दिखी हैं, वोटर आईडी कार्ड चेक करती हुई, और ये भी उन्होंने पूछा कि किसी तरह की कोई समस्या या किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में हुंकार भर रही हैं माधवी लता उनके खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर, क्योंकि खुद ओवैसी भी ये कहते हुए देखे गए हैं कि एक कॉम्पिटिशन तो है और हर एक चुनाव को सीरियस लेना चाहिए। तो दमदार मुकाबला यहां पर है, टफ फाइट होने जा रही है आज। असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता की किस्मत ईवीएम में कैद करने के लिए मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं, और वहीं पर माधवी लता भी पूरी सक्रिय दिखाई दे रही हैं, खुद भी वो नजर बनाए हुए हैं। किस तरह से यहां पर मतदान चल रहा है शांतिपूर्ण ढंग से और बगैर किसी गड़बड़ी के, बगैर किसी फर्जीवाड़े के चुनाव संपन्न हो, इस बात को खुद भी सुनिश्चित करती हुई वो दिखाई दे रही हैं। और जो बुरकानशी महिलाएं यहां पर पहुंच रही हैं उनसे वो बातचीत करती हुई, उनके वोटर आईडी कार्ड भी चेक करती हुई दिखाई दे रही है। 60% आबादी यहां मुस्लिम मतदाताओं की है, और ऐसे में माधवी लता ये पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहती हैं कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। मोहम्मद अफसर संवाददाता हैदराबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अफसर, कैसा चल रहा है चुनाव, क्योंकि जो तस्वीरें हैं उसमें माधवी लता को हम देख रहे हैं, पूरी निगरानी उनकी ओर से की जा रही है, एक एक वोट पर उनकी नजर है, जो मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं किसी तरह का दबाव उन पर ना हो, पूरे पारदर्शी तरीके से मतदान करें, और साथ ही वो वेरिफिकेशन भी करती हुई दिखी है कुछ बुरकानशी महिलाओं का, उन्होंने बुरका हटाकर वो वोटर आईडी कार्ड भी चेक किया है। बिल्कुल वंदना, और इस चीज को लेकर के एक थोड़ा हंगामा भी हो गया है, क्योंकि AIMIM के कार्यकर्ता अब आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ करके मुस्लिम वोटर्स को परेशान किया जा रहा है, बुरका हटा करके वो चेक करके ये बताना चाह रही है कि कोई फेक वोटर तो नहीं है इसमें, तो इस तरह के बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसके अलावा एक अपडेट और दें कि कैंडिडेट जो होता है और उनके जो सपोर्टर्स होते हैं वो बूथ टू बूथ घूमते हैं, जाकर देखते हैं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी कोई परेशानी तो नहीं हो
रही। तो इसी क्रम में जो बीजेपी के कार्यकर्ता गए थे बूथ पर, तो उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया। पुलिस ने कहा कि वो लोग वहां पर हंगामा कर रहे थे, लोगों पर प्रेशर बना रहे थे वोट देने के लिए, लेकिन उन वर्कर्स ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। और इसको लेकर के भी खुद जो कैंडिडेट है बीजेपी की माधवी लता, वो थाने चली गई। थाने जाकर के उन्होंने अच्छा खासा पुलिस वालों को डांटने की कोशिश की। तो एक हंगामा ये भी था अपडेट का, और दूसरा ये कि जाकर के बुरका हटा हटा करके लोगों का आई कार्ड चेक करना, तो इसको लेकर के भी अब AIMIM ने बयानबाजी शुरू कर दी है। कह रहे हैं कि वो जानबूझ करके इस तरह कर रही है ताकि वोटर्स को परेशान किया जाए। लेकिन अब देखिए कि मेन जो कॉन्टेस्ट है वो बीजेपी वर्सेस AIMIM ही है, क्योंकि माधवी लता वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी। और चूंकि यहाँ पर 22 लाख वोटर में 60% सिर्फ मुस्लिम वोटर है, और वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है हर बार, और आज भी वोटिंग परसेंटेज को बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि सुबह 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 10% तक ही पहुंचा था हैदराबाद में, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि सेकेंड हाफ में शायद वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है, क्योंकि आज मौसम अच्छा है, यहाँ पर धूप तेज नहीं है, तो लोग बाहर आ रहे हैं, लेकिन जो क्राउड हम लोग उम्मीद कर सकते थे वो क्राउड नहीं है। तो इसीलिए एक फिक्र की बात है, और माधवी लता खुद भी घूम घूम करके लोगों से बोल रही हैं कि आप लोग घर से बाहर निकलिए, वोट दीजिए, वोट देना जरूरी है। असदुद्दीन ओवैसी और उनके लोग भी लगे हुए हैं, तो कोशिश की जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जरूर जाए। सर, इस बात को माधवी लता भी समझ रही है कि एक बहुत यकीन करके उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर ओवैसी के परिवार का गढ़ है और माधवी लता को मजबूत कैंडिडेट के तौर पर हालांकि देखा भी जा रहा है, इसलिए वो सुबह से ही लगातार एक्टिव हैं। सुबह पहले उन्होंने वोट डाला, लोगों से अपील की, और उसके बाद लगातार हर एक गतिविधि पर वो नजर बनाए हुए हैं। परेशानी क्या है, अगर महिलाओं से वो बातचीत कर रही हैं, महिला प्रत्याशी हैं, अगर वो वोटर आईडी कार्ड भी अगर देखती हैं तो उसमें अगर कुछ दिक्कत नहीं है तो फिर क्यों परहेज किया जा रहा है इस बात से, क्यों हंगामा है? बिल्कुल हंगामा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि माधवी लता ने किसी को हटाया नहीं लाइन से, किसी को परेशान नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब भी कोई एक अपोजिशन कुछ भी करता है तो उस पर कोई ना कोई सवाल उठाना जबरदस्ती का बन जाता है, तो वही हो रहा है कि माधवी लता कुछ भी कर रही है तो असदुद्दीन ओवैसी के सपोर्टर्स कुछ ना कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। और चूंकि उनको भी पता है कि इस बार फाइट अच्छा मिल रहा है, क्योंकि माधवी लता ने पिछले पूरे महीने में बहुत ज्यादा घूम घूम करके प्रचार किया, और माधवी लता उनको एक स्ट्रांग कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है। तो इसीलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे हैदराबाद, अमित शाह भी आए थे हैदराबाद, उन दोनों ने प्रचार किया है उनके लिए और लगातार वोट मांगा है माधवी लता के लिए। तो माधवी लता कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंट दिख रही हैं कि उनको फायदा हो रहा है, तो इसीलिए वो आज का दिन बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहती। सुबह 6:30 बजे से ही वो लगातार बूथ टू बूथ पूरे हैदराबाद में वो घूम रही है, और शाम तक वो लगातार घूमती भी रहेंगी, और यही कोशिश कर रही है कि हर जगह देखे कि कहां पर वोटिंग कैसा हो रहा है, कहीं पर कोई किसी पर प्रेशर तो नहीं बना रहा। तो वो हर जगह होता है, जो भी कैंडिडेट होता है वो हर जगह जाता है, लेकिन इस बीच में अगर कोई किसी पर आरोप लगाए तो वो गलत है, क्योंकि उन्होंने किसी को बाहर नहीं निकाला लाइन से। अगर ऐसा किया होता तो शायद बयानबाजी एक जायज लगती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन राजनीति में ऐसा होता है कि जानबूझ करके एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, वही हो रहा है आज। अफसर, क्योंकि यहां पर यह हॉट सीट बन चुकी है और टफ जो फाइट है वो यहां पर देखी जा रही है। माधवी लता ने भी पूरी कोशिश की है, क्योंकि अमेठी की स्मृति ईरानी कि जैसे ही फाइट यहां पर माधवी लता लड़ती हुई नजर आ रही हैं, उन्होंने जैसे कांग्रेस के घर से अमेठी को छीन लिया था, वैसे ही ओवैसी के घर से हैदराबाद को छीनने की जो कोशिश है वो माधवी लता करती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये कितनी कारगर साबित हो पाएगी तो नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा।